सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से अच्छी और बेहतरीन किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की हमारी कवरेज है हितेश भाई के डेयरी फार्म से, और हितेश भाई के डेयरी फार्म से जितने भी हमने कवरेज की है हर पशु में क्वालिटी बेजोड़ देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में जो आप जो स्क्रीन पर जो जुटी देख पा रहे हैं हम बाइसेस की जो कि संपूर्णतः डिटेल्स इस वीडियोज के अंदर लें, लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम सब जानते हैं कि जितनी भी हमने बाई के पास से जो कि कवरेज की है ज़्यादातर जो पशुओं की जो कि लाइव मिल्किंग हमारे चैनल से आप लोगों को जो आर्डर में जो नशे हैं मैं आपको पास से कवर करके दिखाना चाहूँगा। ये आप ये देख सकते हो आर्डर में जो नशे हैं जो साफ साफ दुधारू पशुधन को जो प्रमाणित है वो करती है, और इसकी जो कि हम साथ साथ लाइव मिल्किंग दिखाते दिखाते हम इसकी जो कि डिटेल्स है भाई हितेश से जानना चाहेंगे। ठीक है भाई साहब, शुरुआत कर दिए। और काफ़ी पशुपालक भाई हैं जो कि डिमांड करते हैं और काफ़ी पसंद किया जाता है जो मिल्किंग की जो वीडियो होती है उनको, और मैं आपको कवर करके दिखाना चाहूँगा बिल्कुल फुल्ली चुवाई, बिल्कुल मोटी चुवाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कैमरे को देख के हिचक रही है क्योंकि जो आम फार्मर के भाई साहब ने मेरे से बताया कि आम फार्मर के घर से आई हुई है और कभी फ़िलहाल घर से जो कि बाहर है वो नहीं निकली थी, लेकिन आज पहली बार 22 को जो कि परचेज करके लेके आए हैं आम फार्मर के घर से। और भाई हितेश से हम जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस है वो बताना चाहूँगा। जो शुरुआत से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते भी हैं, लेकिन जो नए व्यूअर जो जुड़े हैं उनको मैं एड्रेस ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। गाँव है गाजी गोपालपुर, ज़िला लगता है रेवाड़ी, और तहसील कोसली लगती है, हरियाणा से विलोम करते हैं। हरियाणा जिसे मुर्रा की खान से जाना जाता है, जिसे मुर्रा को जो ब्लैक गोल्ड जिसे कहा जाता है, आज हम उस गोल्ड की आप लोगों के साथ फुल मिल्किंग वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो भाई हितेश से हम इस जोटी की डिटेल से वो जानना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई साहब काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जो आप हमारे से जो इसकी लाइव मिल्किंग आप हमारे से दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो डेट और जो टाइम है फिलहाल प्रेजेंट का वो आप हमारे से बता दीजिए। जो पशुपालक भाई हैं जो प्रेजेंट में पता लग जाए कि आज के डेट में क्या कुछ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप चवाई करते रहें, ये देख सकते हो, दिखाना चाहूँगा मैं आपको, एक मिनट रुको। गूगल प्लीज टाइम एंड डेट। It is 4:42 p.m. the 15th of December 2021. ये देख सकते हो आप, मैं दिखाना चाहूँगा आपको फोकस करके, ये आप देख सकते हैं, एक मिनट थोड़ा फोकस कम आ रहा है। 4:00 जो कि 42 मिनट, और आज जो कि 15 तारीख को हम ये जो कि लाइव मिल्किंग आप लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। और भाई साहब बताएं कौन से लैक्टेशन में है ये? दूसरे ब्यात में है। दांतों में कैसे है? 6 दांत। दांतों में 6 दांत है, दूसरे ब्यात के दांतों में 6 है। और कितने दिन की ब्याई हुई है भाई साहब? 21 दिन की ब्याई हुई है। 21 दिन की ब्याई हुई है, और जो कि दूध है वो आप सबके सामने जो कि फिलहाल आ भी जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि भाई क्या कुछ दूध पे चली हुई फिलहाल जोटी? 18 किलो दूध पे चली हुई है। हाँ जी, तो बता रहे हैं कि 21 दिन की ब्याई हुई है और 18 किलो दूध पे जो कि चली हुई है। और जो अगाड़ी का दूध हम आपको थोड़ा सा कवर करके दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो। आपके अंत ताजे से भाई साहब कितना होगा? भाई साहब 2.5-3 किलो की अगाड़ी है। ठीक है, और जो पशुपालक भाई हैं जो लेने के लिए इच्छुक है वो अपनी आके भी देख सकते हैं। बार बार ये हमारी साइड इसलिए देख रहे क्योंकि जो बिल्कुल नई आई हुई है आम फार्मर के घर से, पहली बार जो कि घर से खुल के भाई साहब ने बताया थे कि आई हुई है। और भाई साहब साथ में क्या है इसके? कटिया है इसके साथ। साथ में कटिया है।
पशुपालक भाई हैं जो डेयरी फार्मर्स है या फिर कोई जो घर के लिए जो स्पेशली जो डिमांड करता है, साथ में जो मुर्रा हीफर सॉरी जो काफ होती है, जो फीमेल काफ हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एक अच्छी दुधारू जो कि एक उसके साथ साथ जो कि हम एक कटड़ी तैयार करके उसकी जो आने वाले टाइम में एक अच्छी जुटी हम जो कि तैयार है वो कर सकते हैं, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है वो करते हैं। तो भाई साहब जो साथ में फीमेल काफ है वो कौन से बुल की है? सरकारी सीमन की है, HLDB के सीमन की है, HLDB के सीमन की है। और जैसे कि आपने जो शुरुआत में जो फीमेल काफ को देखा, फुल हाइट और लेंथ का जो कि काफ है हमें यहाँ पे देखने को मिला। हाँ जी बिल्कुल भाई साहब, काफ़ी अच्छे दूध जो कि पिलाया हुआ है। और बात करें जुट्टी की, जैसे हमने आप लोगों को शुरुआत में जुट्टी को जो कि चला के दिखा दिया है, हाइट और लेंथ, अडर में मिल्क वेन, जो अडर में जो जोश वो हमने जो शुरुआती ही आपको वीडियो में दिखा दिया है। और आज की तारीख में प्रेजेंट में 21 दिन की जो कि ब्याई हुई और 18 किलो दूध पे चली हुई है, और अगाड़ी काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिली। बाई का जो कि रोज़ाना का सेल परचेज का काम है, काफ़ी कम उम्र में इतना अच्छा नाम कमा के, और जो हमारे पशुपालक बाई हैं उनको अच्छा पशुधन प्रोवाइड आप लोगों को करा रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा पशुधन दिखाया जाए, और युवाओं में जो एक मुर्रा के प्रति जो एक जागरूकता बढ़ी हुई है वो भी वीडियोज के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मिल्किंग अंतिम तोड़ पे आती हुई है भाई साहब। हाँ जी, परसों आई थी हमारे पास। अच्छा, परसों आई थी। 17 किलो दूध पे थी, 17 किलो दूध के, और आज 18 प्लस होगा, 18 प्लस और 20 किलो दूध करेगी, 5 दिन रहेगी। तो भाई बहुत बढ़िया बात है, मेहनत भाई साहब सब कुछ आज के टाइम में मेहनत का है। आपने अच्छी इसके साथ जो कि मेहनत की होगी तो आपको अच्छा दूध दे रही है। बिल्कुल नॉर्मल खाने पे थी, नॉर्मल पे। हाँ ठीक है, तो भाई साहब फिलहाल दाने में खाने में कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ भी डाल दो, कितना भी डाल दो ऐसी है चरने पीने। अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भैंस अच्छा दाना लेगी वो अच्छा दूध आप लोगों को जरूर देगी, और साथ में फीमेल काफ आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी फीमेल काफ आप जो कि तैयार हो कर सकते हैं। हाँ भाई साहब, भाई साहब बोलते हैं बड़े अंडर की दूध, आज बड़े साइज की भैंस दूध देगी, इसका साइज भी देख लो आप, पश्मीस की। हाँ जी हाँ जी, अंडर साइज देख लो भाई साहब। मैंने तो ऐसी ऐसी भैंसें भी देखी हैं जो मतलब अडर बिल्कुल बीच का अडर, और उसमें मैंने दूध भाई साहब 20 किलो किलो दूध मैंने देखा है, मैं बता रहा हूँ जो पशुपालक भाइयों को। और हम एक ऐसे मध्यमात्र आपको सिर्फ यह बता सकते कि यहाँ एक अच्छा पशुधन बिक्री के लिए उपलब्ध है, बाकी आप अपने आके एक टाइम दो टाइम तीन टाइम चुवाई करके अपने हाथों से देखें अगर आपको। हाँ ठीक है भाई साहब, बच्चे के लिए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ दूध जो कि बच्चे के लिए जो कि छोड़ दिया गया है। ठीक है भाई साहब, ले चलिए। आपको जो कि लेटर से जो कि नाप के दिखा दिया जाएगा, और कुल फिलहाल प्रेजेंट में कुछ दिन पहले भाई साहब ने जो कि दो टाइम की लाइव मिल्किंग में लगभग 21 किलो दूध था ना भाई साहब? हाँ 21 किलो, 21 किलो दूध जो कि प्रेजेंट में एक फिलहाल पंजाब में वो बैठ गई है उसका दूध तोल के दिखाया था। काफ़ी अच्छा लगता जो काफ़ी युवा पशुपालक अच्छा, एक मुर्रा का एक अच्छा शौक जो रखता है। और हरियाणा है, हरियाणा से जो कि एक से एक शानदार नगीने हर टाइम निकलते रहते हैं। हरियाणा में गिनी चुनी भैंसे नहीं है 20-20 किलो दूध की, अगर हम कहीं ना कहीं हम टोने लगे तो हमें काफ़ी लगभग काफ़ी ज़्यादा जो कि भैंसे हैं वो 20 प्लस की हरियाणा में देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो लीटर से आपको नाप के दिखा दिया जा रहा है, एक लीटर दो छः
ये कुछ दूध जो कि बच्चे के लिए भी छोड़ दिया था, और भाई साहब ने जो कि 18 किलो दूध जो कि रेकमेंड किया था, और 19 किलो दूध जैसे कि भाई साहब बता रहे हैं कि खाने में काफी अच्छी है, रोज बढ़ और भाई साहब ये दूध से जो कि रोज जो कि भाई साहब बता रहे हैं कि बढ़ रही है, और जो साथ में जो फीमेल काफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फुल हाइट और लेंथ की, और बच्चे के लिए भी जो कि दूध है वो काफी अच्छा जो कि छोड़ दिया गया है, और दूध गढ़ने के बाद जो जड़ाव है वो आप इसमें देख पा रहे हैं। आधा किलो दूध को मानो कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, और आशा करें कि आपको हमारी ये लाइव मिल्किंग जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप किसी भी प्रकार की भाई से डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भाई से आप जो स्क्रीन पर जो कि नंबर चल रहे हैं आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी छोटे पशुपालक के पास या फिर किसी हाईटेक डेयरी फार्म पर। तब तक सभी पशुपालक भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार।